ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। भवानी मंडी में गौ माता की निकाली शव यात्रा, विधि विधान से किया अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि भवानी मंडी के रामनगर के बालाजी धाम हनुमान मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा को एक गौ माता दान स्वरूप भेंट की गई थी। उसी गौ माता की एक बेटी जो कि लगभग 30 वर्षों से उनके यहाँ एक परिवार के सदस्य की तरह रहती थी, जिसने आज दिनांक 8 सितंबर 2024 को अपनी अंतिम सांस के साथ इस परिवार से हमेशा के लिए अपनी विदाई ले ली। इस भावुक पल को देखकर परिवारजन बहुत ही दुखी हुए। ऐसे में स्वर्गीय पंडित जी की पत्नी शांति देवी, पुत्र सुभाष शास्त्री, सत्यम जोशी व बेटी ने निर्णय लिया कि हम अपने परिवार में पली बढ़ी हुई इस गौ माता का अंतिम संस्कार वैदिक विधि विधान से करेंगे। ऐसे में गौ माता की शव यात्रा निकालकर किया विधि विधान से अंतिम संस्कार। इस अवसर पर बालाजी धाम रामनगर से जुड़ी सभी मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर को दिए अपने बयान को सुनिए स्वर्गीय मोहन शर्मा के पुत्र सुभाष शास्त्री की जुबानी। हाँ सर, आपका नाम बोलिए। सुभाष शास्त्री। आज आप लोग यहाँ आए हैं, ये किस लिए आए हैं? आज हम यहाँ पर हमारे घर पे एक गौ माता जो सदस्य स्वरूप में मानते थे, हमारे पिताश्री मुख्य पुजारी बालाजी सरकार धाम के, उन्होंने बड़े बचपन से पाला था और गौ माता की सेवा खूब करी। आज 21 वर्षों से उनका फल स्वरूप हमें प्राप्त होता रहा। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ तो आज सभी पूरी मित्र मंडली, सभी रामनगर धाम बालाजी सरकार की मंडली आकर के गौ का पूजन किया और गौ का दाह संस्कार और उनका कर्म किया हमने। और हमारी गौ माता का एक सदस्य स्वरूप में नाम इतना प्यारा था और सभी लोग कॉलोनी वासी वाले, रामनगर धाम वाले सभी जानते थे उसका नाम, बड़ा प्यारा संतु नाम से जाना जाता था। वही गौ माता हमारे घर में पुनः पधारे, उसकी सेवा हमें मिलती रहे और हमारा परिवार सुखी रहे, सारे सनातन धर्म की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे और बालाजी सरकार का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। आपको जी प्रेरणा में है दाह संस्कार की, कहाँ से मिली, कैसे मिली? ये हमारे मुख्य पुजारी जी मोहनलाल जी शर्मा जी के प्रेरणा के अनुसार ही प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया था धर्म संस्कार और कि ये कर्म करते रहिएगा। और हमारी माता राम जो स्वरूपा हैं, इन्होंने खूब सेवा करी माता गौ माता की, आज पूर्ण रूप से उनको विराम मिला